नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की, और बड़ी खबर यह है कि बहुत ही जल्द खाने के तेल की कीमतें और कम हो सकती हैं। मतलब ये कि आपको और राहत मिल सकती है। कितनी कटौती हो सकती है, क्या संभावना बन रही है, ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं संदीप बजोरिया, CEO हैं सनविन ग्रुप के। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज एक मीटिंग हुई तेल कंपनियों के साथ खाद्य मंत्रालय की, और उस मीटिंग में तेल कंपनियों से दाम कम करने को कहा गया, और कंपनियों ने भी ये भरोसा दिया है कि जल्द से जल्द MRP में कटौती की जाएगी। माना यह जा रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर तक की गुंजाइश है तेल कीमतें और कम होने की। आप सहमत हैं कि हाँ, इतनी कमी आनी चाहिए रिटेल में 20 रुपये और आ सकती है? 15 से 20 रुपये घटने की पूरी संभावना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट भी नीचे आ चुका है, और तेल कंपनियों ने गवर्नमेंट की अपील को भी अच्छी तरह से रिस्पॉन्स किया है। तो ये लेवल रिटेल में आप अगले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में आप देखोगे उतना दाम घट जाएंगे एडिबल ऑयल के, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आज तो सुबह हमने देखा एक बार मलेशियन मार्केट 10% डाउन था, बाद में क्लोज होते होते वो 3% डाउन रहा। लेकिन अभी ये लेवल जो है ये एकदम प्रोड्यूसर्स के, पाम प्लांटेशंस के, वहाँ के किसानों के, इंडोनेशिया मलेशिया किसानों के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आ गया है। तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करीबन $500 है, और वहाँ ड्यूटीज और टैक्सेस लेवी इंडोनेशिया में $575 है। तो $1,075 CPO का FOB का दाम जो है वो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आ गया है, इसलिए अभी ये लेवल पे प्राइस को थोड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है। बट फिर भी मार्केट थोड़ा स्टेबल है, मार्केट में थोड़ा सा फियर है जिस तरह से ऑनस्लॉट हुआ है भाव नीचे घटने का, और जिस तरह से फंड्स ने सेल किया है क्रूड को, सोयाबीन ऑयल को और पाम ऑयल को। सो कॉन्फिडेंस पूरा लोगों को अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। आई थिंक 2-3 दिन और लगेंगे मार्केट पूरा स्टेबल होने को और कॉन्फिडेंस जनरेट होने को, और उसके बाद फिर इस मार्केट में डिमांड भी बहुत अच्छी आएगी। पाइपलाइन खाली है, मतलब इम्पोर्टर्स के पास में, प्रोसेसर्स के पास में बहुत माल है, रोड पर भी स्टॉक है, लेकिन जो होलसेलर रिटेलर है स्टॉक कंट्रोल के चक्कर में और ये घटते हुए दामों को देख के उन लोगों ने अपनी पाइपलाइन ड्राई कर रखी है, तो वो सब अभी बाइंग में आएंगे और उससे मार्केट में वापस एक नई तरह की डिमांड जनरेट होगी। और कंज्यूमर के लिए तो ये बेस्ट पीरियड है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जो एडिबल ऑयल में वरी थी कीमतों की, वो बहुत डाइल्यूट हो चुकी है, और पीक से कीमतें 40% नीचे आ गई हैं। तो अगले 3-4 महीने कंज्यूमर के लिए तो समझे फेस्टिवल सीजन है, तो तेल की अवेलेबिलिटी भी पूरी रहेगी और दाम भी बहुत 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 रिजनेबल रहेंगे। इन्फ्लेशन की वरी भी एडिबल ऑयल को लेकर गवर्नमेंट के दिमाग से निकल गई है। एक बात सर, और एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि मतलब कमाल हो रहा है। मतलब आप देखिए कि 2 दिन में मलेशिया में क्रूड पाम तेल के दाम 20% गिर गए हैं, मतलब BMD पर 20% की गिरावट 2 दिन में आई है, और रिकॉर्ड ऊंचाई से भाव 50% कम हो गए हैं। मतलब शायद इतनी बड़ी गिरावट की संभावना या उम्मीद किसी को थी नहीं। अब आप जरा बताइए सर, ये 50% टूटने के बाद क्या अब मार्केट रुकेगा, ये फ्री फॉल अभी कंटिन्यू रहने वाला है? देखिए, अभी ये मैंने आपको बताया ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पास पहुंच गया है, तो फिर भी सोयाबीन ऑयल थोड़ा भी स्टेबल नहीं हुआ है। बट ज्यादा में ज्यादा और 3-5% मार्केट कभी आगे के टाइम में क्रूड नीचे गया तो घट सकता है, वरना अभी इन लेवल पे मार्केट स्टेबल होने की पूरी गुंजाइश है। ओके, तो सर मतलब अभी जो ये 20 रुपए की बात हो रही है कि दाम, आपने भी कहा कि हाँ 15 से 20 रुपए दाम कम हो सकते हैं रिटेल में खाने के तेल के, लेकिन अगर ये गिरावट पाम तेल की और बढ़ती है या बाकी ऑयल की भी, तो फिर तो ये 15-20 रुपए कम होने के बाद और गुंजाइश बनी रहेगी MRP कम होने की? नहीं नहीं नहीं, ये तो मार्केट देखिए MRP में असर आने को टाइम लगता है, इम्पोर्ट का प्राइस, फिर होलसेल का प्राइस, उससे रिटेल के प्राइस आने के 2-3 हफ्ते लगते हैं। तो इम्पोर्ट और होलसेल का प्राइस अभी गिर चुका है, तो अगले 2 हफ्तों में हमें ये जो गिरावट है इसका पूरा ट्रांसमिशन जो है रिटेल प्राइस में हमें अगले 2 हफ्ते में मिल जाएगा, इसलिए हमने कहा कि 15-20 रुपये पर किलो घटेगा और। अच्छा अच्छा, तो ये आपने कहा और ये सुझाव आपका, और ये हम आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर, आप देखिए कि 2 महीने में तेलों के दाम किस तरह से कम हुए हैं। तो दाम कम हुए हैं और आगे दाम और कम होंगे, इस बात का भरोसा तेल कंपनियों ने खुद सरकार को आज की मीटिंग में दिया है। जी जी, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं सर? यस बजोरिया जी, कह रहा था आप जब दाम ऊपर जा रहे थे तो आप हर समय चिंतित थे, कंज्यूमर एंगल हर समय आपके माइंड पे फॉरमोस्ट रहा है, आपके चैनल की खूबी रही है।
बिल्कुल पब्लिक एट लार्ज को किस तरह से बेनिफिट हुआ है। तो और हम उस समय आपको यही बोल पा रहे थे कि हम क्या करें, इंटरनेशनल मार्केट है और ये सिचुएशन है, तो सही हमको बिहेव करना पड़ेगा, हम 70% इम्पोर्ट कर रहे हैं। राइट सर। लेकिन अभी यही पेंडुलम पूरा शिफ्ट हो गया है और इंटरनेशनल मार्केट ही नीचे आया है, तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली नीचे आ गया है। बिल्कुल सर। और अभी कंज्यूमर के लिए बेस्ट टाइम आ गया, लेकिन किसान शायद प्रोटेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। नहीं, अगर किसानों को दिक्कत, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि बुआई का समय है, खरीफ की बुआई हो रही है, और उस वक्त अगर दाम बहुत गिर जाए और किसानों को लगे कि भाई दाम अच्छा नहीं मिलेगा, नुकसान होगा, बुआई कम हो जाए, आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट हो सकता है, बिल्कुल अगर किसानों की समस्या बिल्कुल है और उसको भी हम उठा रहे हैं, ताकि ऐसा भी ना हो कि कंज्यूमर की ही देखते देखते किसान को बड़ा डैमेज हो जाए, नुकसान हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बीच का रास्ता कैसा निकाला जाए कि विन विन सिचुएशन हो फार्मर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी। किसान भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, अगर खेती ही नहीं होगी तो फिर हमें तेल मिलेगा कहाँ से, और फिर तो बात वही हो जाएगी कि हमें ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, दाम बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, ये भी हमारे दिमाग में है और इस बात को भी हम बार बार उठा भी रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। बहुत शुक्रिया बजोरिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से और सिल्वर से, सोने और चांदी में क्या किया जाए सर आज के लिए? गोल्ड का मार्केट थोड़ा नीचे आया है अभी 60 रुपए, कल भी बहुत तेज गिरा था 800 रुपए, अब फिर से गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है, क्या किया जाए? जी नमस्कार मृत्युंजय जी, डेफिनेटली देखिए इनफैक्ट पिछले एक घंटे में ही लगभग 51,400-420 वाला बाजार 51,250 हो चुका है। डॉलर इंडेक्स में जो पिछले दो सेशंस में जबरदस्त तेजी आई है, उसने अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटीज पे प्रेशर डाला है। रिसेशनरी ट्रेंड्स फिलहाल डिस्काउंट हो रहे हैं और ये पैटर्न रहा है कि रिसेशन की जब अटकलें लगाई जाती है, शुरुआत होती है, गोल्ड और सिल्वर दोनों में इनिशियली दबाव होता है, उसके बाद तेजी पकड़ते हैं। तो फिलहाल एक प्रेशर में है गोल्ड और सिल्वर और ऐसा लगता है जारी रहेगा। टेक्निकली 51,350 का एक ब्रेकडाउन दिया है इंट्राडे बेसिस, तो मैं अपना जो कॉल है वो रिवाइज करना चाहूंगा, 51,350 पे ही सेल कर सकते हैं और ऐसा लग रहा है कि 51,000 के नीचे के दामों में देखने मिलेंगे। वहीं सिल्वर की भी बात करें तो हम लगभग पिछले 12 महीनों के निचले स्तरों के आसपास आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि 56,000 का जो स्तर है सेप्टेम्बर फ्यूचर्स में वो भी टूट सकता है। तो दोनों ही गोल्ड और सिल्वर फिलहाल प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। क्रूड में आप देखिए कि कल तो कमाल हुआ, 10% दाम टूट गए कच्चे तेल के, आज रिकवरी है 1.5% से ऊपर है एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 7,900 के ऊपर, क्या करें इस भाव पर? जी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टिकाऊ होगी, इनफैक्ट टॉप से हम ऑलरेडी 150 रुपए नीचे तोड़ता हुआ देख चुके हैं दाम को। मुझे लगता है कि 7,600-650 के आसपास प्राइसेस फिसल सकती हैं। प्योरली इंट्राडे बेसिस 7,780-7,800 के व्यू होंगे, 8,000 के करीब अगर उछाल मिलता है डेफिनेटली एक बार सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी 7,780-7,800 के लक्ष्य के लिए। ठीक है। अच्छा, नेचुरल गैस में इस वक्त करीब करीब 3% की मजबूती है, कल यहाँ भी तेज गिरावट आई थी, आज थोड़ी रिकवरी है 446 के ऊपर है। आपको लगता है कि इस भाव पर लॉन्ग टर्म के लिए ना सही, लेकिन आज के लिए एक बाइंग बनती है? जी मुझे लगता है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म बेसिस एटलीस्ट गिरावट का एक मौका होगा। अब ये पॉसिबल है कि 430-435 तक तो आई जाए, लेकिन एक्सट्रीम केस में 415 तक आ जाए। हालांकि ये जरूर कहूंगा कि मीडियम टर्म बेसिस एक शॉर्ट कवरिंग मूव डेवलप जरूर हो रहा है, यानी यहाँ से जो डाउनसाइड होगा वो सीमित होगा, लिमिटेड होगा, और अगर किसी प्लेयर को 2 या 3 या 4 हफ्तों के लिए अक्यूमुलेट करना है तो ये एक बेहतर मौका हो सकता है, बट प्योरली इंट्राडे के लिए और थोड़ा सा जो पेन है या फॉल है वो बाकी है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कॉपर की, और कॉपर का हाल तो और भी बुरा है। कॉपर 20 महीने के लो पर है, मतलब 20 महीने में कॉपर का ये भाव कभी दिखा नहीं था लंदन मेटल एक्सचेंज पर, जो कि एक बेंचमार्क एक्सचेंज है कॉपर का। अब आप देखिए कि एलएमई पर क्या हुआ है, $7,300 के नीचे आ गया है एलएमई पर कॉपर का भाव, 5% तक दाम गिर चुके हैं। इस गिरावट के पीछे की वजह यह है कि जो दो दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं चीन और अमेरिका, वहाँ पर डिमांड घटने की आशंका लगातार बढ़ रही है, मंदी की बात हो रही है, और जब मंदी की बात होती है, मंदी की आशंका होती है, तो डिमांड घटने की आशंका भी बढ़ जाती है मेटल की, क्योंकि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल आपका मंदी के दौरान कम हो जाता है, और उसका बड़ा इम्पैक्ट हम इस वक्त कॉपर की कीमतों पर और बाकी मेटल की कीमतों पर देख रहे हैं। अभी भी आप देखिए एमसीएक्स पर 650 के नीचे आ गया भाव,
1% से ज्यादा की गिरावट है। कल की तेज गिरावट के बाद भी मार्केट आज ना तो रुका है ना रिकवर हुआ है, तो आप बताइए अमित जी क्या किया जाए 644 पर कॉपर पे? जी देखिए, क्योंकि डीपली ओवरसोल्ड है तो प्योरली इंट्राडे बेसिस में एक काउंटर मूव के लिए खेलना चाहूँगा। 642 643 के करीब बाइंग करके 653 का लक्ष्य होगा। हालांकि ये जो अपसाइड होगा लिमिटेड होगा, 660 के ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा और उसके बाद दोबारा जो सेलिंग है वो कंटिन्यू हो पाएगी। बट प्योरली इंट्राडे के लिए एक बाउंस बैक रैली के लिए मैं बाइंग की रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। बाउंस बैक रैली के लिए आप कह रहे हैं कि बेशक आप खरीद लें, लेकिन वैसे फंडामेंटल बहुत तेज कॉपर के हैं नहीं। ठीक है, अब जरा बताइए कि एग्री में खास करके ग्वार तो बहुत बुरी तरह से पीटा है, क्योंकि यहाँ पर बिकवाली बढ़ी है, मानसून अच्छा रहा है राजस्थान में, उसका इम्पैक्ट हमने देखा है, लेकिन क्या ये माना जाए कि अब ये गिरावट थमेगी यहाँ से ग्वार की? जी मुझे लग रहा है कि ग्वार गम और ग्वार सीड में दोनों में ही एक रिलीफ रैली की जरूरत है। काफी हद तक जो एक सप्लाई सीजन है उसके जो फंडामेंटल्स होते हैं वो डिस्काउंटेड हैं, तो मैं यहाँ से और इंक्रीमेंटल मंदी की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि पुल बैक रैली ग्वार सीड ग्वार गम दोनों में ही दिख सकती है। इमीडिएट तौर पर 5,300 का लक्ष्य ग्वार सीड में होगा और मेरा मानना है कि 10,100 तक ग्वार गम के जो लेवल है वो देखने मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ग्वार के अलावा कॉटन पर क्या व्यू है आपका अमित जी, क्योंकि कॉटन का मार्केट भी बहुत टूटा था, आज थोड़ी रिकवरी है 320 रुपए की, क्या किया जाए कॉटन में? जी मुझे लगता है देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काफी लंबी तेजी के बाद करेक्शन का दौर जारी है और ऐसा लग रहा है ये करेक्शन जारी रहेगी कुछ समय और, तो हालांकि अभी एक शॉर्ट टर्म में मूव देखने मिला है, 41,000 के ऊपर दाम है, तो शॉर्ट टर्म बेसिस बाइंग की जा सकती है बट ओवरऑल जो अपसाइड होगा वो लिमिटेड होगा। 52,500 से बहुत ज्यादा ऊपर मुझे इमीडिएट तौर पर नहीं दिखाई दे रहे हैं प्राइसेस जाते हुए, बट यस इंट्राडे बेसिस या 1 से 2 दिन के लिहाज से यहाँ से बाइंग की जा सकती है। ओवरऑल मसालों पर आपका क्या व्यू है? जी देखिए मुझे पोजिशनली जीरा हो या धनिया हो दोनों ही बेहतर लग रहे हैं। जीरा मुझे लगता है कि अभी 23,500 के ऊपर जाने की क्षमता रखता है, पोजिशनली काफी लंबा कंसोलिडेशन हुआ है उसके बाद दाम चल रहे हैं। धनिया भी काफी समय से साइडवेज था और 11,000 के स्तरों को होल्ड करते हुए फिलहाल ऊपर निकला है, मुझे लगता है कि दोनों में ही तेजी बनी रहेगी। इमीडिएट तौर पर मीडियम टर्म बेसिस 13,300 के दाम हमें धनिया में देखने मिलेंगे जबकि जीरे में 23,500 के लेवल देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई जीरे पर और धनिया पर। बिल्कुल संक्षेप में कैस्टर पर आपका व्यू? देखिए कैस्टर मेरा मानना है कि कुछ समय तक और सीमित दायरे में रहेगा, हालांकि अगर अगेन यहाँ पर मीडियम टर्म यानी 1 से 1.5 महीना का व्यू लिया जाए तो मुझे लगता है कि 8,000 से 8,100 के स्तर छू लेगा बाजार, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म यानी नेक्स्ट दो हफ्तों के लिए 7,300 से 7,600 का जो सीमित दायरा है वो फिलहाल बना रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित।